हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ यहाँ पे केपीजे स्टार अपडेट चैनल पे। आज जो की बात करने वाले यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर जो जेकेपी पुलिस की भर्ती करवाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो यहाँ पे कब करवाई जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि बॉर्डर बटालियन के फिर से यहाँ पे फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से नहीं करवाई गई। काफी सारे कैंडिडेट उस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पे ये कमेंट आ रहे हैं कि भर्ती कब होगी और इस बार जब भर्ती होगी तो उसमें यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू जॉब की जानकारी पाना चाहते हैं, नई से नई भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल केपीजे स्टार अपडेट को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों तक हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, किसी जॉब के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे जिस भी चीज पे, तो मैं उसी पर जो नेक्स्ट वीडियो है वो यहां पे आप सबके लिए लेके आऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है वो यहां पे कब करवाई जाएगी। जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका कि 2021 में आपकी जो कांस्टेबल भर्ती की जो वैकेंसी थी वो यहां पे आनी थी और 2021 में आपका जो प्रोसीजर था वो भी यहां पे कंप्लीट करवाया जाना था, लेकिन आपकी जो भर्ती है वो यहां पे बीच में कोविड-19 का एक ड्रामा आ गया। दूसरा यहां पे आपको बता दूं, बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती थी वो यहां पे करवाई गई थी, उसका यहां पे जो फिजिकल था वो यहां पे 2018-19 में यहां पे कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिटन एग्जाम था बॉर्डर बटालियन का वो यहां पे नहीं करवाया गया था, जिसके कारण यहां पे जो कांस्टेबल की भर्ती थी 2021 में यहां पे नहीं करवाई गई। अब यहां पे उम्मीद थी कि 2022 के स्टार्टिंग में आपकी जो फॉर्म्स है वो यहां पे लगना शुरू हो सकते हैं, आपकी वैकेंसीज आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका बड़ा कारण यह था कि बॉर्डर बटालियन का जो रिटन एग्जाम है वो यहां पे नहीं करवाया गया। अब बॉर्डर बटालियन के फिर से यहां पे फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और काफी सारे कैंडिडेट के यहां पे जे भी कमेंट होंगे कि बॉर्डर बटालियन में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन डाउट क्लियर होगी। लेकिन आपको बता दूं कि बॉर्डर बटालियन में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहां पे पिछली बार अप्लाई नहीं किया था, जिन्होंने यहां पे लास्ट टाइम बॉर्डर बटालियन में अप्लाई किया था वो कैंडिडेट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। बात रही लड़कियों की, जम्मू एंड कश्मीर से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी लड़की हो बॉर्डर बटालियन के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है। लड़कों की बात रही, लड़के वही अप्लाई कर सकते हैं जो बॉर्डर एरिया से आते हैं, लेकिन वापिस आप फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। अब जो आपकी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है अब थोड़ी आपको लेट ही देखने को मिलेगी, लेट ही आपको जो वैकेंसीज है कांस्टेबल की वो यहां पे देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि अगर जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज है वो यहां पे कितनी आएंगी, तो आपको बता दूं जो आपकी वैकेंसीज हैं लगभग या तो 5,000-6,000 आपकी वैकेंसीज होगी या तो 10,000-12,000 आपकी जो वैकेंसीज है कांस्टेबल में वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी कांस्टेबल की भर्ती आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो बॉर्डर बटालियन की पीछे भर्ती थी उसका एग्जाम नहीं करवाया गया। अब वापसी से नए जो फॉर्म है वो यहां पे लगना शुरू हो चुके हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो यहां पे कंप्लीट होगा, तो उसके बाद ही आपकी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब जो आपका इंतजार है अब थोड़ा सा और यहां पे लंबा हो सकता है, उसका कारण यही है कि बॉर्डर बटालियन के यहां पे नए जो फॉर्म है वो यहां पे लगना शुरू हो चुके हैं। पहला प्रोसीजर कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर से यहां पे नए फॉर्म लगाना शुरू कर दिए हैं, ये बिल्कुल गलत किया है यहां पे। तो बाकी आपको बता दूं, जब भी कोई कांस्टेबल की आगे वैकेंसीज आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो मैं अपने चैनल के जरिए आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो बाकी अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, जिस चीज पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी टॉपिक पे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है आप सबके लिए यहां पे लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो आप सबको यही कहना चाहूंगा, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू जॉब की जानकारी पाने के लिए, नई से नई भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपीजे स्टार अपडेट को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों तक जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।